आई एम सद्दाम हुसैन, एचओडी केमिस्ट्री एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गोजा कैंपस। आज का हमारा टॉपिक है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी कहते हैं। ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंपोनेंट है और दो कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में है, आपने इन दोनों को मिक्स किया है। उन कंपोनेंट्स का नाम है, एक कंपोनेंट हमने ए कह दिया, एक लिक्विड है बी, ये दो कंपोनेंट्स हैं इस सॉल्यूशन के। आप जब इसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो वेपर में एक ही टेंपरेचर पे, अगर वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी कंपोजिशन लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में सेम रहती है। यानी मेरे कहने का मतलब है जब आपने दोनों को कंबाइन किया तो वो अपनी आइडेंटिटी खो बैठे, जिसकी वजह से अब वो एक नए टेंपरेचर पे वो बॉयल करते हैं। वो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अब इस मिक्सचर का, वो ना इस कंपोनेंट से मिलता होगा, ना इस कंपोनेंट से मिलता होगा, या तो इससे कम होगा इनके प्योर कंपोनेंट से, या इनके प्योर कंपोनेंट से ज्यादा होगा। तो हम ये कहेंगे कि जब इनका मिक्सचर बनाया गया तो आप इसे हीट करने लगे, हम चाहते थे इसको अलहदा करना, लेकिन ये दोनों ही एक ही कंपोजिशन में चेंज नहीं आई और ये दोनों ही वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो हम ये कहेंगे ये जो मिक्सचर है ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। तो हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस मिक्सचर इज दैट whose components boil at constant temperature and distill over without change in composition। इनके boiling point इनके pure component से या तो उस mixture का ज्यादा होगा या फिर इसका कम होगा। इसके deviation होने की वजह क्या है? वो deviate होने की वजह ये है जब आपने एक component को B के साथ मिक्स किया तो ऐसा हो सकता है कि A के मॉलिक्यूल का साइज मॉलिक्यूल की शेप और इनके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में फर्क, यानी A को जब डिसॉल्व किया तो इसके कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के इसकी शेप साइज और इंटरनल फोर्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट पर डेविएट करेगा, जिसकी वजह से जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो नहीं रहती। अगर एंथैल्पी चेंज जीरो होगी तो फिर हम कहेंगे ये आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरी बात यह है कि वॉल्यूम में चेंज भी जीरो नहीं रहती, अगर वॉल्यूम में चेंज भी जीरो होगी तो फिर भी वो आइडियल सॉल्यूशन है। तीसरी बात यह है कि जब हमने एक ग्राफ ड्रा किया था कौन सा ग्राफ इनकी कंपोजिशन का, कंपोजिशन को हमने लिया था एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर को हमने लिया था वाई एक्सिस पे। तो शायद आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम वेरियस कंपोजिशन के सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है और इनकी कंपोजिशन लेफ्ट से राइट एक ही कम हो रही है। हमने ऐसे सॉल्यूशन ड्राफ्ट बनाए हैं जिसमें ए का कंपोजिशन लेफ्ट से राइट कम हो रही है और बी की कंपोजिशन परसेंटेज जो है बढ़ रही है। और इस तरह ये वाला जो प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट बी का था, ये वाला वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट ए का, और हमने उन मिक्सचर को आइडियल सॉल्यूशन कहा था जिनका वेपर प्रेशर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आता था। टोटल वेपर प्रेशर इसको अबे करता था, ये स्ट्रेट लाइन आती, लेकिन हम चूंकि कह रहे हैं एजियोट्रोपिक जो आइडियल नहीं है तो फिर क्या होगा?
डेविएशन है, डेविएशन मे बी पॉजिटिव आर नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन भी किसे कहेंगे? अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो अगर तो उनके वेपर प्रेशर की कर्व इस स्टैंडर्ड लाइन से ऊपर जाए तो फिर हम कहेंगे ये पॉजिटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर की कर्व इस स्ट्रेट लाइन से नीचे आए तो हम भी कहेंगे ये नेगेटिव डेविएशन। अब पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए फर्स्ट या हमारे पास एक सॉल्यूशन है एथानॉल और वाटर, जिसके अंदर एथानॉल जो है वो 95.5% एथानॉल है और वाटर जो है वो 4.5% है। जब इस कंपोजिशन का हमारे पास मिक्सचर होगा तो हमने ये देखा ये स्ट्रेट लाइन है, ये एथानॉल, एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.5 सेंटीग्रेड और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो वेपर प्रेशर होगा एथेनॉल का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लो है तो ये हाईली वोलेटाइल होगा और जो हाईली वोलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और जो वाटर है वो लो वोलेटाइल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम है। और जब हमने ये देखा ये 100% यहां पे और यहां पे वाटर जो है वो 100% वाटर है, ये एथानॉल और ये वाटर, तो हमारे पास वेपर प्रेशर की जो कर्व आई वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आई। तो यहां पे मैंने एक ये पॉइंट लिया, देखा एक सी पॉइंट हमारे पास आया, इस सी पॉइंट पे जो हमारे पास मिक्सचर है, जो हमारे पास मिक्सचर है उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है और उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट जब लो है वो बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैंने शुरू में बताया वो बॉइलिंग पॉइंट ना इस प्योर कंपोनेंट का है ना इससे सेपरेट करता है, वो बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से काम आया। तो पॉजिटिव डेविएशन में हमने ये बात समझ में आई हमारे कि जब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन होगी यानी ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन से अबव होगा तो फिर उनका वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो कम होगा वो ना इस प्योर कंपोनेंट से मिलता होगा ना वो इस प्योर कंपोनेंट इससे मिलता होगा बल्कि वो दोनों से कम होगा, वो कितना था 78.1%। अब हम देखेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है। इसमें जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये फिर वैसे ही हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, मैंने पहले स्ट्रेट लाइन बनाया और यहां पे वेपर प्रेशर प्योर किसका था एथानॉल का और ये वेपर प्रेशर प्योर किसका था 20 R ये आइडिया सॉल्यूशन के और मैंने अब यहां पे सॉल्यूशन लिया है HCl और साथ वाटर। तो हमने देखा कि जब HCl की जो कंपोजिशन है
What are the 79 point 76 और इसकी 20.24%। तो फिर क्या होता, फिर क्या होता है कि जब हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास कर्व जो आती है वो इस स्ट्रेट लाइन से नीचे आती है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पे। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट पे हम ये कहेंगे कि उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर मिनिमम है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट मैंने बी पॉइंट कह दिया, या इसको मैंने कह दिया ये वाटर का था, इसको मैंने कह दिया डी पॉइंट। अब इससे क्या होगा, इससे जो इसका वेपर प्रेशर जो मिनिमम हो गया है, जब वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जिसमें 79.76% वाटर है और 20.24% HCl है, इस पे इस सॉल्यूशन का, इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इस कंपोनेंट से मिलता होगा ना इस कंपोनेंट से होगा, बल्कि दोनों से ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। तो आपको इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बॉइल करने के लिए आपको जो टेंपरेचर चाहिए वो इससे ज्यादा चाहिए। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप जो दो कंपोनेंट्स को आप मिक्स करते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, वो किस वजह से, उनका मॉलिक्यूलर साइज, शेप और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में फर्क होता है। यानी आपके पास एथेनॉल था, यहाँ पे एथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी आपस में थी, वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में थी, जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई तो इसका मतलब वेपर जल्दी बन जाएंगे, लेकिन कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगी, वेपर जल्दी बन जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के प्योर कंपोनेंट से काम आ जाएगा। अब इस केस में HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस थी, वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस थी वो कम थी, लेकिन जब दोनों को हमने एक दूसरे के अंदर मिक्स किया तो फोर्सेस जो है वो बढ़ गई। जब फोर्सेस बढ़ गई तो इसका मतलब वेपर्स कम बनेंगे, जब वेपर्स कम बनेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 सेंटीग्रेड है। अब ये 110 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ना ये HCl का है ना ये वाटर का है, वाटर से ज्यादा है, HCl से भी ज्यादा है, ये किसी से नहीं मिलता। तो ये नेगेटिव डेविएशन में हमने क्या देखा, नेगेटिव डेविएशन में जब आप दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है, और सोल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है तो इस कर्व ग्राफ में जो कर्व आती है वो स्ट्रेट लाइन से नीचे आती है। तो ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है जहां पे इसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, यहां पे वेपर प्रेशर सबसे कम है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे।